दोस्तों, दुबई के लोगों के लिए सोना ऐसे है जैसे अपने देश में आम हो। सोने की गाड़ियां और घड़ियां तो आपने पहले भी देखी सुनी होंगी, लेकिन दुबई के ये शेख सोने को पहनने से लेकर खाने तक में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो दुबई में सोना इतना सस्ता और आम है? आज हम आपको यही बताने वाले हैं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। जी हाँ, सिटी ऑफ गोल्ड। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई के विकास में तेल और टूरिज्म का जितना बड़ा योगदान है, लगभग उतना ही बड़ा योगदान गोल्ड का भी है। यहाँ एक तरफ दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस और आलिशान शोरूम मौजूद हैं, वहीं दुबई में एक मार्केट ऐसी भी है जिसके अंदर लगभग 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकानें हैं, जो रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस करती है। जी हाँ, हजारों किलो सोने का बिजनेस। लेकिन इस मार्केट का नाम हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहना। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दुबई में इतना सोना आ कहां से रहा है, और ऐसा क्या है कि दुबई के सराफा बाजार में सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है? दरअसल दोस्तों, दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है, और फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी तैयार की जाती है। फिर दुबई की स्टैंप लगते ही इस ज्वेलरी का रेट दुबई में सोने के रेट के बराबर पहुंच जाता है। और ये यूं ही नहीं है दोस्तों, दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी इतनी प्योर और दिखने में खूबसूरत होती है कि ये न सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर में बेची जाती है, जिसमें भारत और चीन सबसे आगे हैं। और इस तरह दुबई हर साल लगभग 1200 टन सोने का व्यापार करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बिकता है उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 29% सिर्फ दुबई का ही होता है। यहाँ सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि दुबई में गोल्ड सेक्टर में करीब 4086 कंपनियां काम करती हैं, और इस महामारी से पिछले साल दुबई ने 5,52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का गोल्ड बेचा था। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में भी सोने का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोलता है। शादी से लेकर एनिवर्सरी तक हम भारतीय सोने का खूब इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, और अपनी सोने में गहरी दिलचस्पी की वजह से यहाँ गोल्ड में निवेश करने के मामले में हम भारतीय सबसे आगे हैं। दुबई में भारतीयों के बाद गोल्ड में सबसे ज्यादा निवेश पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान और कनाडा के लोगों का है। मार्केट के आकार के बाद अब बात करते हैं दुबई का सोना दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है, और कैसे ये सोने की इतनी बड़ी मार्केट बन गई। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि दुनिया भर में सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में दुबई अव्वल नंबर पर है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं, वे सारा गोल्ड सरकार द्वारा उनकी शुद्धता और गुणवत्ता को चेक करके ही प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा हर ज्वेलर को अपने स्टोर से बेचे जाने वाली हर गोल्ड की आइटम पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना जरूरी होता है। यही हॉलमार्क बताता है कि सोना कितने कैरेट का है, और ये हॉलमार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है। यही नहीं, अगर दोस्तों कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क के सोने को बेचता है या फिर मिलावटी सोना बेचता है, तो उसे UAE एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल तक की सजा या फिर 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब दोस्तों, दुबई में कानून कितने सख्त हैं, ये आप जो दुबई गया हो उससे पूछ सकते हैं। फाइन और सजा के डर से यहाँ नकली या फिर लो ग्रेड सोने का व्यापार ना के बराबर है। इसके अलावा दुबई में सोना बाकी देशों की तुलना में बहुत सस्ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाकी देशों में सोने पर कई तरह के टैक्स लगते हैं। जैसे इंडिया में वैट प्लस GST प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस लेबर चार्ज जैसे अलग अलग टैक्स लगते हैं, जो सोने की ज्वेलरी को काफी महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 5% वैट लगता है, और ये टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद लगना शुरू हुआ है, जिसका मतलब है कि 2018 के पहले दुबई से सोना खरीदना आज के मुकाबले और भी सस्ता था। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं, तो टूरिस्ट के लिए तो गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। साथ ही पूरी दुबई में सोने की कीमत या फिर भाव हर शॉप में एक ही होता है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि आपको हर शॉप में जाकर गोल्ड प्राइस चेक या फिर नेगोशिएट करने का झंझट नहीं रहता। हाँ, दुबई में सोने की कीमत फिक्स जरूर है, लेकिन आभूषणों की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में आप मोल भाव कर सकते हैं। लेकिन ये सब आभूषण के डिजाइन किस देश का डिजाइन है, मशीन से बना है या हाथ से, रिटेलर पर और हाँ, आपके बार्गेनिंग टैलेंट पर भी निर्भर करता है। और अगर आपके बार्गेनिंग स्किल्स कमाल के हैं, तो हम आपको राय देंगे दुबई गोल्ड सूक में जाने की। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड सूक क्या है,
तो दोस्तों यही वो दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है जिसके बारे में हमने कहा था कि आपको आखिर में बताएंगे। दोस्तों दुबई गोल्ड सूक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है जिसमें 1000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि डमास, मालाबार और कल्याण ज्वेलर्स जैसी गोल्ड शॉप्स भी रहती हैं। यहाँ आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाती है। आप किसी भी शॉप से खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि शुद्धता की गारंटी हर शॉप देती है और यहाँ दुनिया भर के देशों से एक शानदार डिजाइन वाली ज्वेलरी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों दुबई से सोना खरीदने का एक फायदा और है, अगर आप दुबई का खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वेट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है और कोई भी बट्टा नहीं काटा जाता। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि अगर आप खुद दुबई जाएं तो आप कितना सोना दुबई से ड्यूटी फ्री यानी कि बिना एक्स्ट्रा टैक्स दिए ला सकते हैं। तो दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स CBIC के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है और एक वर्ष से ज्यादा समय से विदेश में रह रहा है वह दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है, लेकिन ये नहीं कि मन मुताबिक किलो के हिसाब से खरीदा और इंडिया में आकर बेच दिया। इस पर भी लिमिट है और आप दुबई से कितना सोना टैक्स फ्री ला सकते हैं आइए जानते हैं। अगर आप पुरुष यात्री हैं तो इसकी लिमिट 20 ग्राम है या फिर जिसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा ना हो आप इतनी ही गोल्ड ज्वेलरी ले आ सकते हैं। और अगर आप एक महिला यात्री हैं तो 40 ग्राम गोल्ड या फिर जिसका मूल्य 1,00,000 रुपए से ज्यादा ना हो इतने सोने के आभूषण आप ला सकते हैं। यही सेम नियम बच्चों पर भी लागू होता है। और अगर आपको दुबई से भारत इससे ज्यादा सोना लेकर आना हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी जो पहले 10% थी लेकिन अब बढ़कर 12.5% हो गई है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी देकर मनचाहा सोना ला सकते हैं, इसकी भी लिमिट है। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रुके हैं तो आप 1 किलो सोने को बार या फिर कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं और अगर इससे ज्यादा सोना लाना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा सोने पर 36.05 कस्टम ड्यूटी लगेगी जो उस सोने को भारत के मुकाबले भी महंगा बना देगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि दुबई से सोना खरीदना हर हिसाब से अच्छा है। तो आप जब भी दुबई जाएं गोल्ड शॉपिंग जरूर करें, बस इतना ध्यान रखें कि अपनी खरीदारी का बिल अपने साथ रखें और हो सके तो गोल्ड पहनकर ही आएं और ज्यादा होशियार ना बने। अगर गोल्ड लिमिट से ज्यादा हो तो उसे डिक्लेयर करें। अगर कोई सवाल या फिर कंफ्यूजन रह गई हो तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो जो दुबई गए हो वो लोगों के इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना और दिल खोलकर शेयर करना मत भूलना। और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें और Facebook पर देखने वाले लाइक करें हमारे पेज द मिस्टिका लैंड को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, लौटेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।